फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मजो कट अटैक पे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक जो है वो है BS6 कमिंग फेज टू में। हमारे इस फेज टू गाड़ी के जो होता है इसके अंदर एक नया सिस्टम आया है जिसे हम क्रूज कंट्रोलर बोलते हैं, तो उसी के वायरिंग डायग्राम के ऊपर आज हम बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। वैसे तो हमारे बहुत से व्यूवर्स इस क्रूज कंट्रोलर किस प्रकार काम करता है और क्या चीज होती है, अगर जो हमारे व्यूअर्स इस चीज के बारे में नहीं जानते तो हम डिटेल में बात करेंगे कि क्रूज कंट्रोलर का काम क्या होता है, या किस प्रकार काम करता है, कहाँ लगा हुआ होता है, और इसकी वायरिंग के कनेक्शन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसकी पैरामीटर में सेटिंग भी होती है, वो सेटिंग किस प्रकार होती है, उसमें हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम सारे टॉपिक के ऊपर डिटेल में आज बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो संबंधित आपके दिल में कोई भी डाउट हो तो आप बेफिक्र बेझिझक होकर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे आपका हर एक डाउट क्लियर करने का। अगर आप हमसे परमानेंट जुड़ना चाहते हैं, हमारी मेंबरशिप प्लान लेना चाहते हैं, और हमारे चैनल की मेंबरशिप प्लान लेने से आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे उसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में हो और आपको अगर टाटा गाड़ी संबंधित किसी भी पार्ट्स की प्रॉब्लम हो तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं आपको जल्द से जल्द आपको हर सामान प्रोवाइड करवाने का। तो अगर आपके वहां पर भी कोई सामान की प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार हमसे भी बात कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने अभी सुनाई है कि हमारा जो आज का टॉपिक है क्रूज कंट्रोलर के ऊपर वायरिंग डायग्राम के ऊपर, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं क्रूज कंट्रोलर है क्या और ये काम किस प्रकार करता है, उसके बाद हम इसके वायरिंग डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। देखिए, बेसिकली जो हमारा क्रूज कंट्रोलर है ये एक गाड़ी का सिस्टम है हमारे ड्राइवर भाइयों को लॉन्ग रूट पे गाड़ी चलाने के लिए थोड़ा आराम देने के लिए। अभी की जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें क्या होता था कि हमारी गाड़ी हाईवे पे चल रही है, हमने ड्राइवर हमारे भाई ने टॉप गियर भी लगा दिया, अब उनके उसके बाद दो ही काम बचते हैं। लॉन्ग रूट पे जब गाड़ी हाईवे पे चल रही है एक हमें एक्सीलेटर दबाना है, दूसरा स्टेयरिंग पकड़ना है। बस गाड़ी हमारी मान लीजिए आपको 55 की स्पीड पे चला रहे हो तो एक्सीलेटर दबा के और स्टेयरिंग पकड़ना है। ये जो परमानेंट जितनी देर भी हमारे ड्राइवर भाई सीट पे बैठे उन्हें एक पैर से एक्सीलेटर दबा के ही रखना पड़ता है। सारी सारी रात भी चलाते हैं वो एक्सीलेटर पे दबाव दबा के रखना पड़ता है। इस कंडीशन में क्या होता है हमारे पैरों में भी दर्द होने लगता है। अगर आप भी कोई परमानेंट चीज को दबा के रखेंगे तो पैरों में दर्द होने लग जाता है। तो हमारा जो क्रूज कंट्रोलर है ये इसी समस्या को सॉल्व करता है। ये क्रूज कंट्रोलर हमारे एक्सीलेटर को दबाने की जरूरत को खत्म करता है। जैसे कि मान लीजिए हम हाईवे पे चल रहे हैं, हमारी गाड़ी की स्पीड 55 की स्पीड चल रही है, ठीक है, ये हमारी 55 की स्पीड चल रही है। अब आपने क्या करा है क्रूज कंट्रोलर का जो बटन है उसकी भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। कॉम्बिनेशन स्विच में लेफ्ट साइड में बटन दिया हुआ है, आप उस बटन को ऑफ ऑन कर दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप हम एक्सीलेटर पैडल से पैर हटा भी लोगे तो भी हमारी गाड़ी कंटिन्यू 55 की स्पीड पे एक ही स्पीड पे चलती रहेगी। आपको उस कंडीशन में एक्सीलेटर दबाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेयरिंग पकड़ना है और आराम से पैरों को सीधा कर लीजिए, जैसे आपको रिलीफ मिले आप वैसे कर सकते हो। आपको एक्सीलेटर दबाने की जरूरत नहीं है जहां पर भी आपने क्रूज कंट्रोलर को ऑन किया है। अब इसी के साथ में हमारा एक बटन और दिया हुआ है, तीन बटन दिए हुए हैं इसमें टोटल, ठीक है। पहले बटन पे तो हमने क्रूज कंट्रोलर को चालू कर लिया कि जब हम भाई हमें यहाँ 55 की स्पीड चलानी है तो आप इसी पे करिए। अगर आपने 60 की स्पीड पे करा है इसे तो ये 60 की स्पीड पे ही चलती रहेगी। इसकी भी सेटिंग होती है आपको ये क्रूज कंट्रोलर कितनी स्पीड पे चाहिए, मैक्सिमम हमारा 40 या 45 की स्पीड तो हमें चाहिए चाहिए होता है, इससे ऊपर ही काम करेगा ये। तो हम 60 लगा के ले लेते हैं या 55 ही लगा लेते हैं। 55 की स्पीड पे हमने फर्स्ट बटन को प्रेस कर दिया, ऑन कर दिया तो हमारी गाड़ी का एक्सीलेटर हम
हटा लेंगे, एक्सीलेटर छोड़ देंगे, हमारी गाड़ी 55 की स्पीड पर चल रही है। गाड़ी चलते हुए आपको ये महसूस हो रहा है कि यार गाड़ी 55 की स्पीड कम है, मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, तो आप सेकंड वाले बटन को प्रेस करेंगे। जैसे आप सेकंड वाले बटन को प्रेस करेंगे, आपकी इसमें 65 की स्पीड जुड़ जाएगी, आपकी 60 पे चली जाएगी। आप इसको फिर एक बार और प्रेस करेंगे तो फिर +5 हो जाएंगे हमारे, और ये 65 की स्पीड पे चली जाएगी। यानी इसको हम स्पीड को बढ़ाने के लिए काम ले सकते हैं। मान लीजिए 65 की स्पीड पे आप चल रहे हो, आपको लगता है यार नहीं 65 की स्पीड ज्यादा हो रही है, मुझे थोड़ा कम करना चाहिए, तो इस वाले स्विच को आप रिवर्स करोगे तो -5 हो जाएंगे, तो 65 में से -5 होंगे, तो हमारी वापसी 60 पे हमारी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ये अगर हम इसे आगे पीछे वो सरकने का होता है, अगर आप एक बार प्रेस करोगे तो 5 की स्पीड जुड़ जाएगी, अगर आप रिटर्न प्रेस करोगे तो 5 की स्पीड कम हो जाएगी। अब ये क्रूज कंट्रोलर हमने चालू तो कर लिया और हमारी गाड़ी मान लीजिए 65 की स्पीड पे चल रही है। अब ये क्रूज कंट्रोलर हट के हमारा मैनुअली पे कैसे आएगा, यानी एक्सीलेटर जब दबाए हमारा तब भी काम कैसे करे, क्योंकि ऑटो में तो चला गया है कि एक्सीलेटर नहीं दबा हमारी गाड़ी 65 की स्पीड पर चल रही है, लेकिन ये सिस्टम इसमें से हटेगा कैसे। उस कंडीशन के लिए हमें कंडीशन में हमें क्या करना होगा, अगर हमें इसको ऑटो में से हटाना है तो हमें तीन काम करने होंगे। या तो आप क्लच पैडल को दबा दीजिए, या आप ब्रेक पैडल को दबा दीजिए, या आप एक्सीलेटर पैडल को दबा देंगे। इन तीनों में से किसी भी चीज को अगर आप एक बार प्रेस करते हो तो ये ऑटो सिस्टम हमारा हट जाएगा और हमारा एक्सीलेटर मैनुअल पे आ जाएगा। उसके बाद आप जैसे मर्जी एक्सीलेटर देना चाहें इस प्रकार काम कर सकता है। मान लीजिए हम 65 की स्पीड पर चल रहे हैं, आगे कोई जंप आ गया, या कोई जानवर आ गया, या कोई कुछ किसी भी वजह से आपको गाड़ी को स्लो करना होगा, तो आप इन तीनों में से कोई एक काम करेंगे करेंगे। या तो आप गियर डाउन करने के लिए क्लच दबाएंगे, या गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक दबाएंगे। जैसे आप ब्रेक दबाएंगे हमारा क्रूज कंट्रोलर बंद हो जाएगा और आपका एक्सीलेटर मैनुअल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए सामने कोई भी जानवर आ गया, कुछ भी आ गया, आपने उसको बचाने के लिए ब्रेक दबाया, ब्रेक दबाएंगे आपका क्रूज कंट्रोलर मैनुअल हो जाएगा, उसके बाद हमारा एक्सीलेटर दबाने से ही काम करेगा। तो जैसे आपका रास्ता क्लियर हुआ, आपने फिर 60, 55 या जो भी स्पीड पे हो गए, मान लीजिए आपने उसके बाद में 50 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोलर का ये तीसरे स्विच को प्रेस कर दिया, आपका फिर से रिज्यूम हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ही इसको ऑन कर चुके हैं। जैसे हमने क्लच ब्रेक या एक्सीलेटर कुछ भी दबाया, हमारा वो मैनुअल में चला गया था, फिर हमें दोबारा क्रूज कंट्रोलर चालू करना है, तो आप तीसरे बटन को प्रेस करेंगे, सेम हमारी कंडीशन वही चलने लग जाएगी, जितने पे आपने ये प्रेस करा है हमारा उतने पे चलने लग जाएगा। अब दोबारा अगर आपको इसमें स्पीड बढ़ानी है तो 5 की स्पीड बढ़ानी है, तो इसको हमारा ये 55 हो जाएगा स्पीड, वो किससे होगा, हमारा 2 नंबर से हो जाएगा। तो ये 3 बटन है हमारे क्रूज कंट्रोलर का, ड्राइवर भाइयों को आराम देने के लिए कि उनको परमानेंट एक्सीलेटर दबाने की जरूरत ना पड़े। अगर हमारा ये सिस्टम काम नहीं भी करता हो तो गाड़ी में चलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो तो सिर्फ एक हमारी सहूलत के लिए है, ताकि हमारे पैर दर्द ना करें, हमें परमानेंट एक्सीलेटर दबा के ना बैठना पड़े। फिर भी ये हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए ज्यादा जरूरी है, जो रात रात भर सारा दिन कई कंडीशन हो, 24-24 घंटे रेगुलर गाड़ी चलाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। आपको भी इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए और ये गाड़ी को में सिस्टम चालू करके देना चाहिए हमारे ड्राइवर भाइयों को। बहुत से ड्राइवर भाइयों के इसके बारे में भी मालूम नहीं है कि ये क्या चीज है, किस प्रकार काम करती है, तो आपको इसके उन्हें भी ये जानकारी देनी चाहिए। तो चलिए हम इसे तो मिटाते हैं और क्रूज कंट्रोलर के वायरिंग डायग्राम के ऊपर बात करते हैं कि इसके अगर ये कभी काम ना करे तो आपको क्या क्या चीजें वायरिंग किस प्रकार चेक करनी पड़ेगी, उसमें वोल्टेज आता है, अर्थिंग जाता है, किस प्रकार इसके कनेक्शन होते हैं, उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे ये कॉम्बिनेशन स्विच है, इसके अंदर 3 जो बटन है उसकी भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो पहला कौन सा हो गया हमारा,
ऑन ऑफ हो गया, यानी हमारा रिज्यूम जो हमारा ये क्रूज कंट्रोलर है उसे चालू करने का और बंद करने का। हमने एक दो नंबर इसलिए कर लिए ताकि समझने में आसानी हो जाए, बाकी ऐसा कोई नंबर का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा सीधा इशू के ऊपर हमारा वोल्टेज जाएगा। एक चीज और है, ये हमें ध्यान देने वाली बात है, हम जो ये वायरिंग डायग्राम की बात कर रहे हैं, ये हमारा BS6 कमिंग फेज 2 40 48 30 का जो जो डायग्राम है हमारा ये। ठीक है, TK यानी टिप्पर हमारा डम्फर हो गया, 48 30 TK डम्फर हो गया। इसके वायरिंग डायग्राम के ऊपर जो हम बात करेंगे, पिन नंबर आपको हर गाड़ी में सेम मिल जाएगा, हो सकता है आपको वायरिंग के जो कलर है वो डिफरेंस मिल सकते हैं, बाकी आपको इशू की पिन नंबर और कॉम्बिनेशन स्विच में की पिन नंबर आपको सेम मिलेगी। वायरिंग का कलर आपको हर गाड़ी के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है। हाँ, जो आपके अगर 48 30 TK है तो आपको ये वाले कलर सेम मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये हमारा फर्स्ट वायर हो गया, जैसे हमने क्रूज कंट्रोलर को ऑन करा यानी चालू करने के लिए हमने करा, ये हमारे इशू की 84 नंबर पिन के ऊपर जाएगी। ठीक है, ये हमारे इशू की 84 नंबर पिन के ऊपर वायर चला गया। दूसरा हमारा है कि जैसे ही हमारा क्रूज कंट्रोलर चालू तो हो गया, हमें स्पीड अप करनी है या डाउन करनी है, वो हमारा ये भी सीधा हमारा इशू के ऊपर जाएगा। ये हमारा इशू के 87 नंबर के ऊपर जाएगा। तीसरा, जैसे ही हमारा क्रूज कंट्रोलर, हमने क्लच दबाई, ब्रेक दबाई, एक्सीलेटर दबाया है, तो हमारा क्रूज कंट्रोलर मैनुअल चला जाएगा, उसे हमें दोबारा से चालू करना है, तो हम रिज्यूम वाला बटन को दबाएंगे। रिज्यूम का मतलब है फिर से चालू करना या रिस्टार्ट करना। तो ये भी हमारा सीधा हमारा इशू के ऊपर वायर जाएगा। ये हमारा जाएगा 60 नंबर पिन के ऊपर, इशू के J2 कपलर में 60 नंबर के ऊपर हमारा जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर इसे ऑन करेंगे, हमारा कॉम्बिनेशन स्विच में चार वायरें आपको मिलेंगी। ये चारों तारें अलग अलग होती हैं, कोई हमारे कॉम्बिने उसके इंडिकेटर के लिए, कोई पार्किंग के लिए, कोई हेडलाइट के लिए, और कुछ कुछ हमारा क्रूज कंट्रोलर के लिए। तो ये चार वायर आपको अर्थिंग में मिल जाएंगी। ये हमारा ग्राउंड हो गया। ग्राउंड का आप सभी को मालूम है हमारा जो कलर होता है ब्राउन कलर का होता है, तो हम शॉर्ट भाषा में BR ब्राउन लिख लेते हैं। तो चार तारे आपको ये ब्राउन कलर की मिल जाएंगी जो अर्थ है। तो जैसे आप यहाँ से क्रूज कंट्रोलर को ऑन करोगे, हमारा ये वाला अर्थ इसमें गया। जैसे हमारा अर्थ 84 नंबर पे जाएगा, इशू समझ जाएगा, हाँ ड्राइवर को क्रूज कंट्रोलर चालू करना है। क्रूज कंट्रोलर अगर चालू करना है मतलब मुझे एक्सीलेटर को अब के सिग्नल की जरूरत नहीं है, मुझे अब किसी स्पीड पे ही गाड़ी को चलाना है, आप एक्सीलेटर छोड़ दो। ठीक है, जैसे आप सेकंड वाले को स्पीड को अप करोगे, मान लीजिए हमने 50 की स्पीड पर क्रूज कंट्रोलर को चालू कर लिया, और आपने स्पीड अप वाले को बटन को चालू करा है, हमारा ये वाला ये ग्राउंड इधर जाएगा, इशू के 87 नंबर पे इशू समझ जाएगा कि हाँ मुझे 5 की स्पीड को प्लस करना है, तो वो 5 की स्पीड को प्लस कर देगा, अपने आप ही गाड़ी को वो 55 की स्पीड पे ले जाएगा, उतना ही वो एक्सीलेटर दबा दे यानी फ्यूल की सप्लाई बढ़ा देगा वो, तो हमारी गाड़ी स्पीड हमारी 55 की हो जाएगी। जैसे ही आपने क्लच दबाया, एक्सीलेटर दबाया या ब्रेक दबाया, इन तीनों में से कुछ भी आपने अगर प्रेस कर दिया, तो हमारा मैनुअल से हट वो ऑटोमेटिक से हट जाएगा और हमारा जो एक्सीलेटर है वो मैनुअल पे आ जाएगा। जैसे आपने फिर 50 55 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोलर दोबारा चालू करना है, तो इसे ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आप रिज्यूम वाला बटन को एक बार प्रेस कर दोगे, आपका रिटर्न हमारा क्रूज कंट्रोलर चालू हो जाएगा। हाँ, आप इसको जरूरत ना करके एक बार इसको भी ऑन ऑफ करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन और थोड़ा सा काम को
आसान बनाने के लिए ये रिज्यूम बटन दबा दीजिए, आपका रिटर्न सारा सिस्टम चालू हो जाएगा, वापसी हमारा एक्सीलेटर ऑटो में चला जाएगा। तो ये हमारे तीन ही वायर हैं और जो हमारा अर्थिंग ही इन तीनों में ग्राउंड ही जाएगा, यानी हमारा जो अर्थ है वो ही हमारे इन तीनों वायरों में अलग अलग कंडीशन पे जाएगा कि आपने कौन से बटन को प्रेस किया है। चलिए अब हम इसके वायरिंग डायग्राम, वो वायरिंग के कलर के ऊपर भी बात कर लेते हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, हम यहाँ पर जो भी वायरिंग के कलर की बात करेंगे वो हमारा 28-30 टी के टिप्पर यानी डम्फर के अंदर ही आपको ये वायरिंग के कलर देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपको कुछ कोई और गाड़ी में ये कलर ना मिले, लेकिन आपको जो ये इशू की पिन नंबर है ये आपको हर गाड़ी में जिसमें कमिंस का इंजन होगा उसमें आपको ये पिन नंबर सेम मिलेंगी। तो अगर आपको ये कलर ना मिलते हैं तो आपको क्या करना है, कपलर खोल लीजिए, उसके 84 नंबर पे कलर देख लीजिए, उस कलर को आप कॉम्बिनेशन स्विच पे चेक करेंगे तो आपको सेम वही कलर मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला वायर हमारा ऑन ऑफ का है, स्पीड अप वाला कौन सा है, रिज्यूम वाला कौन सा है। तो इस प्रकार से अगर आपको किसी गाड़ी में कलर अलग मिले तो आप यहाँ पर इशू की पिन नंबर पे कलर देख लीजिए और उसको आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा हमारा कौन सा वायर किस काम के लिए दिया गया। तो चलिए अभी हम इस गाड़ी के तो जो कलर कोड है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने बात करी है कि जो हमारा एक नंबर है, हमने ये नंबरिंग सिर्फ समझने के लिए लिखी हुई है, ठीक है, इन नंबरों पे ध्यान नहीं देना है। जो हमारा ऑन ऑफ वाला वायर होगा जो हमारे 84 नंबर पे जाएगा, जिससे हम क्रूज कंट्रोलर को ऑन और ऑफ करेंगे, उसके ऊपर आपको पीले के ऊपर काले कलर का वायर मिल जाएगा, और जो हमारा स्पीड अप वाला है उसके ऊपर आपको हरे के ऊपर पिंक कलर मिलेगा, और जो हमारा रिज्यूम वाला है वो आपको हरे के ऊपर लाल कलर की लाइन मिल जाएगी। तो ये तीनों अलग अलग आप वायर के कलर से भी पहचान सकते हैं हमारे 48-30 डम्फर के जो टीके यानी डम्फर के ऊपर है, हमारे टिप्पर जो होता है उसमें आपको यही कलर देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हमारा कभी कस्टमर ने ये कहा कि हमारा क्रूज कंट्रोलर काम नहीं कर रहा है तो हमें बेसिकली क्या क्या चीजें चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको पैरामीटर में जाना, देखना हमारा क्रूज कंट्रोलर चालू है या नहीं है, उसकी सेटिंग की भी क्या होती है उसके भी हम पहले ये समझ लेते हैं, उसके भी पैरामीटर की सेटिंग के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो मोटा मोटी आपको ये देखना क्रूज कंट्रोलर हमारा एनेबल है या डिसेबल है, उसे चेक करना है। दूसरा आपको ये देखना होगा कि आपका क्लच स्विच काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपका क्लच पैडल काम नहीं कर रहा है यानी वो स्विच प्रेस ही है तो इशू को तो ये सिग्नल जा रहा है ना कि मेरा क्लच दबा हुआ है, वो क्रूज कंट्रोलर का चालू ही नहीं होने देगा। उसी प्रकार ब्रेक स्विच को भी आपको पैरा लॉगिन डाटा में जाके आप ये चीजें देख सकते हो कि हमारा जो ब्रेक है वो भी प्रेस डिसप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारा अगर ब्रेक स्विच काम नहीं करेगा तो भी हमारा क्रूज कंट्रोलर ऑन नहीं होगा, क्योंकि इशू को यह सिग्नल जा रहा है कि हमारा ब्रेक जो स्विच है वो दबा हुआ है। उसी प्रकार से कुछ गाड़ियों में हमने ये देखा कि जो एक्सीलेटर पैडल होता है उसमें हल्की प्ले हो जाती है, तो अगर आप एक्सीलेटर को छोड़ भी दोगे लेकिन फिर भी वो 1% या 2% दबा हुआ रहता है, उससे एक्सीलेटर आइडल नहीं बढ़ता लेकिन हल्का सा वो दबा हुआ रहता है, क्योंकि वो परमानेंट एक्सीलेटर दबाते रहते ना उसमें हल्की प्ले हो जाती है तो वो थोड़ा ढीला हो जाता है। तो बहुत गाड़ियों में हमने देखा है कि हमारा जो एक्सीलेटर पैडल है वो 1% 2% दबा हुआ रहता है, तो इशू का तो ये सिग्नल जा रहा है कि यार एक्सीलेटर दबा हुआ है, एक्सीलेटर दबा हुआ है तो वो क्रूज कंट्रोलर का चालू नहीं करेगा। तो आप उसको डाटा में जाके ये भी चेक करना होगा आपको कि हमारा एक्सीलेटर पैडल कितने परसेंट दबा हुआ है। तीसरा जो हमने मैंने जो देखा है गाड़ियों में काम करते हुए, अगर आपका एक्सीलेटर वायरिंग संबंधित कोई फॉल्ट कोड बार बार आ रहा है, मतलब हमारी एक्सीलेटर की वायर अगर कहीं पर रगड़ खा रही है तो भी आपका क्रूज कंट्रोलर कभी चालू होगा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलेटर की वायर अगर कहीं पर रगड़ खाएगी इशू का सिग्नल जाएगा
ड्राइवर ने ब्रेक वो एक्सीलेटर दबा दिया तो भी आपका क्रूज कंट्रोलर हट जाएगा। तो ये तीन चार चीजें बेसिकली हैं, इन चीजों को आपको चेक करना होगा। दूसरा, आपको जैसा कि हमने बात करी है कि हमारा कॉम्बिनेशन स्विच से ग्राउंड जाएगा इन वायरों में, अगर ड्राइवर बार बार ये कहता है कि क्रूज कंट्रोलर सही से काम नहीं कर पाता, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारा इन वायरों में अगर ग्राउंड जा रहा है तो वो 33 के साथ केबिन के साथ कहीं रगड़ खा के डायरेक्ट ग्राउंड तो नहीं हो रहा है। तो हमें इन चीजों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे इसमें ग्राउंड, चाहे आपने कॉम्बिनेशन स्विच से दिया चाहे डायरेक्ट यहाँ से दिया, ठीक है, तो भी हमारे ये क्रूज कंट्रोलर बार बार अप डाउन, क्योंकि एक बार आपने इसमें करंट अर्थ दे दिया, हमारा क्रूज कंट्रोलर चालू हो जाएगा, दोबारा दोगे तो वो हटा देगा उसको। तो इन चीजों को बेसिकली हमें चीजों को चेक करना पड़ेगा। क्लच पैडल हमारा, क्लच स्विच नॉर्मली काम करना चाहिए, ब्रेक स्विच काम करना चाहिए, एक्सीलेटर हमारा 0% होना चाहिए और पैरामीटर में क्रूज कंट्रोलर ऑन होना चाहिए। तो ये चार पांच चीजें हैं जिसके बारे में आपको ये चीजें चेक करोगे तो इजीली आप इनके ऊपर वर्क कर सकते हो। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कॉम्बिनेशन स्विच हो गया, और लेफ्ट साइड में ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ तो हमारा ये वाइपर का सिस्टम हो गया और यहाँ पर हमारा जो क्रूज कंट्रोलर होता है उसका सिस्टम दिया हुआ है। अगर हमारा क्रूज कंट्रोलर को ऑन ऑफ करेंगे तो ये हमारा वो है, ये देखिए ये हमारा ऑन हो गया और ये हमारा ऑफ हो गया है। तो ये तो हमारा ऑन ऑफ का हो गया। अगर हमें इस रनिंग गाड़ी में स्पीड बढ़ानी होगी तो इसे हम एक बार इस प्रकार करेंगे, कम करनी होगी तो इस प्रकार करेंगे, स्पीड बढ़ाने के लिए आगे, कम करने के लिए पीछे। और जैसे ही हमने क्लच या ब्रेक कुछ भी दबाया, हमारा क्रूज कंट्रोलर जब काम करना बंद कर जाएगा तो इस जहाँ पर आप देख रहे हैं रीसेट लिखा हुआ है, रिज्यूम लिखा हुआ है, आप जैसे इसको प्रेस करेंगे हमारा क्रूज कंट्रोलर रिटर्न काम करने लग जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें हैं, एक दो और तीन है, जिसका हमने अभी वायरिंग डायग्राम को चेक किया है। आई होप आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि हमारा क्रूज कंट्रोलर काम क्या करता है, उसके वायरिंग डायग्राम किस प्रकार होते हैं, अगर हमें प्रॉब्लम आती है तो नॉर्मली हमें कौन कौन क्या क्या चीजों को चेक करना पड़ेगा, ये काम ना करने के क्या क्या तरीके हैं। तीनों हमारे पैडल हो गए, एक्सीलेटर ब्रेक पैडल और क्लच पैडल हो गए, एक्सीलेटर की वायरिंग कहीं शॉर्ट नहीं होनी चाहिए और हमारा ये कहीं पे भी वो नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा पैरामीटर की सेटिंग है। आई होप आप अच्छी तरह ये चीजों का समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपके दिल में कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका हर डाउट क्लियर करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी के ही फेस ट्यूब के, हेडलाइट के बारे में, वाइपर के बारे में, पार्किंग के बारे में, ब्रेक लाइट के बारे में। ब्रेक लाइट के बारे में तो बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्रेक लाइट की भी बहुत आदमियों को कनेक्शन समझ में नहीं आ पाता कि ब्रेक लाइट किस प्रकार काम करती है। तो नेक्स्ट वीडियो हम सबसे पहले उसी पर बनाएंगे, उसके बाद वाइपर मोटर हो गया, हेडलाइट हो गया, पार्किंग हो गया, इंडिकेटर हो गया, और इसके अलावा आप फेस टू की गाड़ी के ऊपर किस चीज का डायग्राम को समझना चाहते हैं, तब तक हम ये वीडियो बनाए, आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम आपको किस टॉपिक के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उन चीजों के ऊपर जानकारी दे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर, तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।